73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने झंडा फहराया। इस मौके पर उन्होंने रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सरकार की सभी योजनाओं का जिक्र करते हुए शहीदों के परिवारों को और खिलाड़ियों को सम्मानित किया। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने फरीदाबाद में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर राज्यपाल ने देश की सीमाओं पर भारत की रक्षा करने वाले जवानों, स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन किया। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कंवर पाल ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने सबसे पहले शहीदों को नमन किया और परेड की सलामी ली। गुरुग्राम के देवीलाल स्टेडियम में आज कड़ी सुरक्षा के बीच में 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सिंह पहुंचे। उन्होंने स्टेडियम में तिरंगा फहराया और लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। अंबाला में हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की गेदड़ भपकियों पर रामविलास ने कहा कि कश्मीर के बाद अगला पड़ाव बालाकोट नहीं मुजफ्फराबाद है। पंचकुला में हरियाणा के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए हरियाणा और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। हिसार के महावीर स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बनवारी लाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके परेड की सलामी दी। इस मौके पर उन्होंने जिले में सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कर्ण देव कम्बोज ने ध्वजारोहण किया। समारोह में विभिन्न स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। करनाल के नई अनाज मंडी में जिला स्तरीय समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने ध्वजारोहण किया। मुख्य अतिथि द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों के परिजनों, उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले समाज सेवियों, खिलाड़ियों और सभी लोगों को उन्होंने याद किया और नमन किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग ने आज समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मतदाता सूची में पंजीकरण करने के लिए ऑनलाइन आवेदन को बढ़ावा दिया जा सके।